जो कुछ है वो संघर्ष और प्रयत्न कर रहा है अंदर की। तो आप कभी भी जिहाद को इस्लाम से ऐसा मत जुड़िए कि इसका माना जंग है या किसी को मारना है, किसी मासूम को मारना है तो बिल्कुल नहीं अंदर की। लेकिन जब शांति स्थापित हो जाती है, पीस स्टैब्लिश हो जाती है, तो उसको सेफगार्ड करना, उसको जो है बचा के रखना भी जरूरी है। इसीलिए दुनिया के जितने भी देश हैं जो शांतिपूर्वक देश है, इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे भारतवर्ष को मिलाकर, हम लोग अपनी एक पुलिस फोर्स रखते हैं, हम लोग अपनी एक मिलिट्री रखते हैं, एयरफोर्स रखते हैं, नेवी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए कि भारतवर्ष में शांति आ चुकी है। अब इस शांति को कायम रखना, बाकी रखना, चूंकि बहुत सारे लोग अशांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते मानव प्रेम से मोहब्बत से रहे, वो अशांति फैलाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आपको, वो अशांति फैलाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। कैसा? ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉबी है। जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फायदा होता है लोगों का, कैसे कैसे फायदा होता है। छोटे से छोटे लेवल पर इसका फायदा ये होता है, आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे आप लोग इतने धड़ल्ले से आजकल लगाते, क्यों लगाते? सिर्फ टेररिज्म की वजह से ना, ये उसका एक बता रहा हूं फायदा क्या होता है लोगों को, एक फायदा बता रहा हूं सिर्फ आपका, समझ रहे आप? ये तो एक इंटरनेशनल लॉबी है, उसको स्टडी की जरूरत है। बहरहाल, तो आप देखिए, जब पीस स्टैब्लिश हो जाती है तो उसको बाकी रखना भी जरूरी है, उसको कायम रखना भी जरूरी है। तो इस्लाम कहता है जब पीस स्टैब्लिश हो जाए उसको बाकी रखो, उसके लिए भी जो प्रयत्न और संघर्ष करना पड़ता है उसको भी जिहाद बोलते हैं, चूंकि उसका माना ही वो होता है। शांति को स्थापित रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो भी जिहाद है, याद रखिए।